हेलो, हेलो फारिस कादरी बोल रहे हैं भाई, बोल रहा हूँ। कौन बात कर रहे? हैदराबाद से बोल रहा हूँ भाई, फारूक खान। फारिस बोलिए। हाँ कादरी साहब आपसे जनाब काम ये था, थोड़ा हमारा बेगम बाजार में कुछ प्रॉपर्टी है, हाँ तो उसपे जो है कुछ इलीगल हम लोग कब्जेदार है बोल के यहाँ के एमएलए साहब क्लेम कर एक रहे हैं। बात बोलूँ मैं आपको। बोलिए। मैं ना मैजिस्ट्रेट हूँ ना पुलिस हूँ, बिल्कुल है ना। मैं एक सोशल वर्कर, एक नॉर्मल, एक आम इंसान, बस अपनी आवाज जो है पब्लिक तक के पहुंचा कर कुछ मजलूमों करते। आप लोग ऐसा फोन करते, बोलते कि हमारी प्रॉपर्टी है ये, मैं क्या कर सकता हूँ? आप पुलिस स्टेशन जाओ, कंप्लेन करो, या कुछ उसके बिल्कुल अंदर सर, अंदर दिक्कत है तो वो बताओ मेरे को आप। बिल्कुल। दिक्कत क्या है, हमारे को यहाँ पे पॉलिटिकल पावर पड़ रहा है साहब, पॉलिटिकल पावर पड़ रहा है, कोर्ट कचहरी हो रहा है, तो थोड़ा आप हमारे को सोशली तौर पे, मीडिया के तौर पे आप हमको मदद कर सकते हैं। आपके प्रॉपर्टी कहाँ है? मेरे बेगम बाजार में है, मेरा कुछ फैमिली प्रॉपर्टी है, कितनी बड़ी जगह है? अभी तो 2600 गज है साहब, काफी 2600 गज। बड़ी जगह है। आपकी प्रॉपर आपके पास पेपर है? मेरे ग्रैंडफादर का जगह है, पूरा लिंक डॉक्यूमेंट है, कोर्ट में केस है, पार्टीशन सूट है, उसका किसने कब्जा टोकन अमाउंट कराया? ये सो है, वो कब्जा तो मारवाड़ियों का है सब, बरसों से। तो अभी मारवाड़ियों क्लेमिंग जो का? है, हाँ, दुकाना है वो सब, अभी क्लेमिंग जो है कोई दूसरे थर्ड पार्टी कर रहे हैं, थर्ड पार्टी पॉलिटिकल कौन है? थर्ड बैठते पार्टी जो है हमारे भी यहाँ तो पे। आप नहीं, लोग क्लियर क्लियर बताओ ना, आप लोग वो बताओ। हमको डरने का नहीं है साहब, हम जो है डरते डरते किसी से नहीं है, सीधा सीधा जाते हैं प्रोसीजर से। ये यहाँ के एमएलए है बोसम साहब, उन्होंने थोड़ा हमारे पुश्तैनी प्रॉपर्टी है बोलते हैं, तो हमारे जीपीओ होल्डर से चल रहा है। अब हम तो घर बैठे वो देख रहे हैं कि सामने वाला आपको लाखों रुपए लाके ऐसे ही नहीं दे देता है, जो अच्छा, दूसरे का प्रॉपर्टी आपकी आपके साथ। प्रॉपर्टी है या मौजम खान साहब की प्रॉपर्टी है, इसका क्या प्रूफ है आपके पास? मैं इसका कैसे कोर्ट मान में लूं कि डाल आप? चुके हैं, हमारे जीपी होल्डर लड़ रहे हैं ना साहब, जीपी होल्डर लड़ रहे हैं, जो कब्जेदार बनिए हैं, मारवाड़ीज है, कुछ मारवाड़ियों को भी मालूम है, और कोटा वार्ड प्रॉपर्टी है, कोटा अच्छा, वार्ड प्रॉपर्टी है वो, उसको चेंज नहीं कर सकते आप, वो तो खानदानी लोग हैं, जानते हैं ना कि हमारी है बोलकर। ऐसा है मौजम तो मौजम खान साहब कब्जा करे हुए उस पे बेगम साहब, खास मौजम खान साहब का डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं बोल बाजार में सकते, 2600 गज बोले तो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है वो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है सर। तो। मतलब बोले तो वहां पे तो अच्छा है, इतनी बड़ी जगह बोले तो फिर भी हाँ, तकरीबन एक होगा 200-300 CR। आराम से, आराम से। नहीं, तो आप लोग मतलब वो क्या पॉलिटिकल वो कर रहे हैं क्या वो लोग? हम लोग उन लोग पॉलिटिकल जो है उन्होंने बेगम साहब, ये मेरा नहीं, मेरे फैमिली का है, मेरे साले का है, इनका है, उनका है, उन्होंने डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है उनका, वो दो अच्छा। चार पॉलिटिशियंस मिलके, वो मिलके, बहरहाल हम लोग का उतना वो नहीं है, वो हिसाब से कर रहे हैं वो लोग। ऐसा है, तो थोड़ा आपसे हमारे को ये चाहिए था, थोड़ा इसका मुद्दा आप थोड़ा उठाए तो शायद हमें कुछ हेल्प मिल जाए। बरोबर। देखो, अगर बस आप सच्चे ईमानदार हैं तो बिल्कुल उठाएंगे, मुद्दा उठाने में दिक्कत नहीं है। पहले आप उनको ये चीज के क्या करो, आप उनको पहले बोलिए जी, इस चीज के अंदर में क्या है, खत्म करके खत्म मारो नहीं मैटर। साहब ये मुमकिन नहीं है सर, ये ऑलरेडी हो चुके हैं कोशिश, तो ये मुमकिन नहीं है, उन्होंने काय का कतर, ये मतलब उनका हमारी है, पावरफुल पॉलिटिकल पावर बता रहे हो लोग। बस बस यही है, ये कोई चीज मुमकिन नहीं है कि आगे चल के मांडोली आपके पास पेपर है आपके, हमारे कने आप ऑथेंटिक, डिक्लेयर उसके कर बहुत सकते है। पब्लिकली हो। हाँ, पब्लिकली प्रेस मीटिंग में हम डाल सकते हैं, बाजार तक कोर्ट में चल रहा है भाई, आप कोर्ट मेरे को भेजो ना, हो मैं आपके पास में उनको हम भेजेंगे रिपोर्टर भी आपको, जाता बिल्कुल हूँ कल। आपको जब जरूरत पड़ेगा, हम आपको जब उसका निकालने का जरूरत पड़ेगा, देखिए अभी कल तक मैं हम आपके निकाले पास में नहीं एक है, रिपोर्टर भी जाता हूँ कोई भी, नहीं उनको उसका पहले बोलो। आप कुछ मुद्दा उठे, बाद में हम बेच सकते हैं भाई, क्योंकि ये आज तो तक हम गलत बात मार्केट है। में नहीं निकाले, सुनिए। नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है। अगर आप झूठ बोल रहे होंगे मेरे से ना तो ना फिर ना, अगर हम झूठ बोलते हैं तो आज तक पहुंचने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम खुद जानते हैं आपको झूठ क्या और सच दिक्कत है का। मीडिया के सामने और डिक्लेयर करने में पेपर? भाई साहब अगर मीडिया के सामने डिक्लेरेशन होता, मेरे को फैमिली के थ्रू देना पड़ेगा डिक्लेरेशन, सही उस बात। वजह से मैं देता हूं, आप प्रेस मेरे को भेज कॉन्फ्रेंस, सकते पेपर? मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करना मेरे को पड़ेगा। तसल्ली होने के लिए आप कुछ डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं कि हाँ, आपकी भेज सकता प्रॉपर्टी हूँ है? आपको, भेज सकता आप मेरे हूँ, को भेज दो, मैं आपकी ये वाली रिकॉर्डिंग मैं खुद अपलोड करवाऊंगा, क्योंकि ठीक मैं है, तो भेज जनरली देता नहीं हूँ, करता ये भेज चीज। सकता हूँ मैं आपको। मौजम खान का है कब्जा? नहीं, कब्जा मौसम खान का नहीं बोल सकता हूँ, देखिए मैं पर्टिकुलर नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कुछ पॉलिटिकल लीडर्स, इन्होंने बोलते हैं हमारी पुश्तैनी प्रॉपर्टी, हम बोलते हैं हमारे ग्रैंड फादर की, उन्होंने बोलते हैं उन्होंने अपने ग्रैंड अरे फादर एक बात बोलूं मैं आपको, जी। एक नहीं, मेरे को आपके ने कसम से हजारों फोन आते हैं, जी जी
सभी लोग यही बोलते हैं पॉलिटिकल पॉलिटिकल, आप लोग इतना डरते हैं ना, बुरा मत मानो, आप लोगों से सिर्फ सुनो खाली, आप बिल्कुल लोगों के डर की वजह से ही ऐसे चोर पॉलिटिशियन ऐसे गुंडे लोग आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा करते, आपके जगहों पे कब्जा करते। आप लोगों के अंदर डर बहुत रहता है खुल के नाम लेने के लिए, आप लोग डरते हैं। क्यों? आप अगर मौजम खान, मौजम खान आप कैसा है, सीधा सीधा अपना आप पॉलिटिकल का नाम ले सकते। अब इससे पहले भी एक फोन आया मेरे को, टीआरएस का लीडर का था मसला, उसके अंदर में जी भी नाम लेने को डरते। आप जो है सच्चाई खुलकर बयान करें ना, जिस दिन देखिए, चालू हम करें ना, सच्चाई, सुनिए आपको मेरी एक चीज बात, सुनिए बताता आप हूँ पहले। जी, आप लोग जिस दिन सच्चाई अगर खुलकर बयान करना चालू करें ना, उस दिन एक प्रॉपर्टी कब्जा करने की हिम्मत इन लोगों की नहीं होगी जो इसके अंदर इन्वॉल्व है। खुलकर बोलो, खुलकर बिंदास करो इस चीज को। मैं कल क्या करता हूँ, कल ये परसों आप जब भी बोलो उन लोगों का, आपका फैमिली का क्या है देख लेके मेरे को कॉल करो, आपके पास जी रिपोर्टर भी जाता हूँ। खुल कर करो, अगर वाकई में आप सच्चे ईमानदार हैं, अल्लाह से डरना, अपने कोई लीडरों से नहीं डरना, बेशक बिंदास खुल कर मीडिया के सामने स्टेटमेंट रखो। आपको अगर वाकई में जुल्म हुआ, हम लोग सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। और अभी भी मैं खाना खा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको कॉल करता हूँ। अल्लाह हाफिज। जरूर जरूर, चलिए।